आज हम बनाएंगे कद्दू की सिंपल सी सब्जी। बनाने में एकदम आसान, कम से कम इंग्रेडिएंट्स में बन के तैयार हो जाती है, फटाफट से बनती है और खाने में एकदम बढ़िया लगती है। दाल और चावल के साथ इसका कॉम्बिनेशन अमेजिंग। कद्दू मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो। इसके लिए आप कोई भी हरे छिलके वाला या फिर पके हुए छिलके वाला भी कद्दू ले सकते हैं, क्योंकि छिलका हमें इसका उतारना ही है। और इसका अंदर वाला जो बीज वाला पार्ट होता है वो पूरा अच्छी तरह हम चम्मच से निकाल देंगे। और इस क्योंकि अगर आप उसे रख देते हैं तो सब्जी थोड़ी सी चिपकी हुई लगती है, खिली खिली नहीं बनती है और दिखने में भी अच्छी नहीं दिखती है। तो उसे पूरा हम अच्छी तरह निकालेंगे और उसके बाद इसे अच्छी तरह पानी से धोएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए छिलका मैंने उतार दिया है और एकदम से छोटे भी नहीं, क्योंकि एकदम कद्दू अच्छी तरह पक जाता है आसानी से, तो एकदम से छोटे नहीं और एकदम से बड़े भी नहीं, मीडियम साइज़ के हम इसके टुकड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब तेल लिया है। तेल जैसे ही गर्म होता है हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच राई। ये थोड़ा सा चटकने के बाद इसमें हम डालेंगे 3 हरी मिर्ची ली है मैंने काटकर और 2 सूखी वाली लाल मिर्ची ली है मैंने, टुकड़े बना दिए हैं इनके। इनको थोड़ा सा चलाएंगे और उसके बाद 1 मीडियम साइज़ का प्याज हम इसमें डालेंगे। एकदम सिंपल सी सब्जी है, बनाने में एकदम आसान है, फटाफट से बन जाती है और खाने में बहुत बढ़िया लगती है। ज़रूर बनाकर देखिए। इंग्रेडिएंट्स आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 1/2 चम्मच के करीब डालेंगे हींग और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। मिक्स करेंगे इसे। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसका कलर नहीं बदलना चाहिए। और उसके बाद इसमें हम कद्दू मिलाएंगे। कद्दू काटते वक्त हमें ध्यान में रखना है कि इसको काटने से पहले हमें धो लेना है, उसके बाद में इसे नहीं पानी में डालना है, नहीं तो फिर पानी ज़्यादा छोड़ता है कद्दू सब्ज़ी में। और उसी के साथ इसमें हम डालेंगे नमक और मिक्स करेंगे इसे। ये सब्ज़ी 4 लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगी। और आज की सब्ज़ी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए। उसके बाद इस पर ढक्कन रखेंगे और लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में इसे चेक करना ना भूले ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और यहाँ पर देखिए 19 से 20 मिनट होने को आए हैं और सब्जी मतलब कद्दू अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि सब्जी नीचे से लगने लगी है और कद्दू अभी तक नहीं पका है तो आप थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दीजिए और फिर से इस पर ढक्कन रख दीजिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 छोटे चम्मच के करीब गुड़। मिक्स करेंगे इसे और फिर से इस पर ढक्कन रखकर गुड़ के साथ इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे, गैस बंद करेंगे और लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और ताज़ा नारियल। तो यहाँ पर मिक्स करेंगे इसे और यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।